प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 25 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन और विवाह के मामले आपके बेहतर होंगे। करियर की स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता चला जाएगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब मारक दशा चलती है, जब मार्केश की दशा आती है तो मृत्यु हो जाती है। क्या वास्तव में मारक दशाओं में मृत्यु होना निश्चित होता है? देखिए, मारक दशाओं में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशा अगर चल रही है तो अक्सर काफी कठिनाई का और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर सुरक्षा के ग्रह कुंडली में मजबूत हो तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा होती है। तो एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपके मारक ग्रह की दशा चल रही है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी। मारक दशा में कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है और कभी कभी मारक दशाओं में लाभ भी होता है, लेकिन हां, उस दशा में थोड़ी सावधानी बनाए रखना जरूरी होता है। भी दिन सुबह के समय में इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा और अपने सर पर से 9 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दीजिएगा। एक बार में ही टूटना चाहिए, तभी काम करेगा उपाय। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं आपकी दूर होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।